गाइज मैं ना रोहन के कॉलेज आया हुआ हूँ, कॉलेज के जस्ट बाहर था। मैंने रोहन को मल्टीपल कॉल्स मिला लिए, रोहन फ़ोन नहीं उठा रहा। मतलब कम से कम मैंने 10 से 15 कॉलें तो मैंने कर दी होंगी। एक बार घर पे फ़ोन करके मैं इन्फॉर्म कर दूँ यही चीज़। यार वो तो फ़ोन नहीं उठा रहा, मैंने कम से कम 10 से 15 कॉलें मार दी हैं। तो उसके किसी दोस्त का नंबर नहीं है? मेरे पास नहीं है ना, मैंने कभी लिया ही नहीं उसके दोस्त का नंबर, क्योंकि उसने कभी दिया नहीं। प्राइवेसी इतनी मेंटेन करके रखता है। वही तो, मतलब ऐसे कैसे काम चलेगा, किसी दोस्त का नंबर नहीं दिया उसने आज तक। अभी क्या करूं, मुझे अगला बताओ, मैं यहाँ पर कब से वेट कर रहा हूँ। पुलिस कंप्लेन कर दो क्या? मिसिंग वाइल स्मोकिंग, ठीक है वही करता हूँ, और क्या कर सकते हैं। तुम कितने देर में आ रहे हो? बस कंप्लेन करके डाल के आता हूँ। ठीक है। ऑलराइट गाइस, मैंने यहाँ पर कंप्लेन डाल दी है रोहन की मिसिंग की। यार मेरे को नहीं पता था इतना एक्सट्रीम बात पहुंच जाएगी, रोहन इतनी एक्सट्रीम लेवल की हरकतें कर देगा, फोन ही नहीं उठाएगा। ये नहीं करना चाहिए था यार, उसको फोन उठाना चाहिए था। जेसीबी की खुद आया क्या आपके पास फोन उसका? लगता है नहीं आया, सिंस द साइलेंस। ऐसा मैं लिखवा दिया मैंने पुलिस में कंप्लेन वैसे तो, लेकिन थोड़ा हाथ से ज्यादा निकल गया, बिल्कुल ही मतलब ध्यान ही नहीं दे रहा है घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं, फोन मिला रहे होंगे, फोन उठा ले एक बार। अब तो खैर फोन स्विच ऑफ ही आ रहा है, मिलाओगे तो एक बार। मेरे को लग रहा है फाइनली ना वो अगवा हो चुका है, है? या फिर उसके पास, तुमने देखा ही था लास्ट वीडियो में कितने पैसे हैं, किसने देख लिया होगा वीडियो में उसके पास पैसे, उठा लिया होगा, या फिर वो खुद ही छोड़ के चला गया होगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है किसी कोई ड्रग कार्टेल उसने ज्वाइन कर रखा है। रोहनो शर्मा स्कोबार, व्हाट तुम मजाक सोच रहे हो? मतलब थोड़ा सा सोच रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में किसी को तो, अरे जब अगर तुम इतनी टेंस सिचुएशन में भी ऐसे नहीं हो ना, तो कई बार तो मुझे तुम पे शक होता है कि इस चीज के पीछे तुम तो नहीं हो। मैं अपने भाई को अगवा कर लूंगा, यही दिन आ गया मेरे। कर सकते हो रोहन, और यू कैन से रोहन अभी तक घर नहीं आया, पर मेरे को ना ऐसा सच कुछ टेंशन नहीं हो रही। आफ्टर ऑल बड़ा हो गया है, समझदार है, आ ही जाएगा घर। लेकिन ना घर में सबका ना पेशेंस का लेवल टेस्ट हो रहा है अभी, जस्ट लाइक आरसीबी फैंस का पेशेंस लेवल टेस्ट हो रहा था अब तक एक आईपीएल ट्रॉफी के लिए। लेकिन इस बार तो वो भी खत्म हो गया, हमारी आरसीबी की वुमेन क्रिकेट टीम ट्रॉफी ले ही आई। वेल क्रिकेट की बात भाई, ये गाड़ी में कब आया? वेट, नॉक करके मैं ऐसे उठा क्यों रहा हूँ? सीधे मम्मी के पास जाता हूँ और पहले मम्मी को इन्फॉर्म करता हूँ ये मुझे गाड़ी में पाया गया है। चलो रन। मम्मी एक मस्त सी चीज दिखाऊं आपको, क्या? आपके पैरों तले ना सबसे पहले तो लिफ्ट चली जाएगी, उसके बाद जमीन घिसक जाएगी। मेरे साथ आओ, जल्दी आओ ना, मेरे साथ जल्दी आओ। अरे जल्दी अंदर तो आओ। बहुत ही मस्त सी चीज है, अभी देखो। सबसे पहले तो आपके पैरों तले लिफ्ट चली, ठीक है? तो रोज चलती है। हाँ ठीक है, अभी पैरों तले जमीन भी घिसकेगी। अरे चलो। तो मेरे को ना गाड़ी में एक लाश पड़ी मिली अपनी कुर्ग में, आप देखोगी तो दंग रह जाओगी। नहीं, चूहे की लाश नहीं है, आप देखोगी सच्ची में दंग रह जाओगी। इधर आओ, जल्दी इधर आओ ना, ये देखो देखो, रोहन रात भर यहाँ था, रात भर आपकी औलाद इधर थी, आपकी बिगड़ी हुई औलाद इधर थी। अरे उसको वाइपर तोड़ के मत मारने लग जाना, ये अपनी गाड़ी का वाइपर तोड़ लो, लेकिन आज मम्मी ये पिट जाना चाहिए अच्छे से। पीटो पीटो इसको।
कहाँ जा रहे हैं? वहां से निकल के वहां से अरे भाग क्यों रहे हो मम्मी? आप गिर जाओगी, लग जाएगी आपके नीज पे लग जाएगी। वो तो भाग गया, मैं पकड़ता हूँ गेट। बहुत तब से भाग रहे हो ना? भागने के लिए थोड़ी ना भाग रहा था, प्रेशर आ रही है मेरे को। प्रेशर आ रही है, प्रेशर आ रही है। अरे डोर तो खोल दो, उसको प्रेशर आ रही है। यहाँ गेट के सामने अच्छा लगेगा, हक देगा। प्रेशर आ रही है। उसको रोको, वो भाग रहा है आपसे बचने के लिए, उसको प्रेशर आ रहा है। अरे वो जान के आपसे भागने के लिए बचने के लिए अंदर चला गया है। अरे ये देखो, इसका कैमरा हमेशा ऑन रहता है। बंद कर इसको। रोहन निकलो तुम बाहर। क्या मस्त सनसेट हो रहा है। एवे ही हम लोग इतनी दूर सनसेट देखने के लिए जाते हैं गोवा अंडमान। यहाँ पर बगल में ही हमारे यमुना जी है, उसमें सन सूर्य देवता ऐसे डूबते हैं ना, क्या सही लगते हैं। और ये जो शाम वाली जो धूप होती है ना, जाती हुई धूप, ये ले लेनी चाहिए अकॉर्डिंगली जैसे मॉर्निंग में लेते हैं, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ गुड हैबिट आफ्टर ऑल। विटामिन डी। एटॉमिक हैबिट्स आप लोगों ने पढ़ी है, उसमें क्या है कि आप कैसे छोटे छोटे चेंजेस करके अपनी लाइफ में बदलाव ला सकते हो। चार वर्ड्स पे बहुत अच्छे से फोकस करा गया है। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग, स्मोकिंग स्ट्रेस हुआ, क्रेविंग हुई सिगरेट की, रिस्पॉन्स क्या हुआ, लाकर फूक दिया, निकोटीन ने आपके ब्रेन को रिवॉर्ड दे दिया। अब ये आ गई आपकी बैड हैबिट्स में, जिसमें आपकी बॉडी का कहीं ना कहीं एक तरीके से नुकसान हो रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल लेट्स से किसी को छोड़नी है, स्ट्रेस हुआ, क्रेविंग हुई, सिगरेट जो है वो आपके घर में नहीं पड़ी, अब वो लेने आपको जाना पड़ेगा बाहर, जिसमें आपकी एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी, कहीं ना कहीं ये चीज वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन स्टिल इंस्टेड ऑफ जाकर लेकर आना, उस एनर्जी को डाइवर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जब ऐसा कुछ स्ट्रेस हो रहा है, क्रेविंग हो रही है, 10-15 पुशअप्स लगा लो, और ज्यादा ही फिट हो तो 100 पुशअप्स 100 स्क्वाट्स लगा लो। ना क्रेविंग खत्म हो गई ना, तो मेरा नाम बदल देना। अभी ये आ गई गुड हैबिट्स में। इन शॉर्ट ये है कि आपकी अगर कोई बुरी आदत है, उसके साथ किसी हर्डल को जोड़ दो। जैसे हमारे पास फोन है, अगर हम बार 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 फोन चेक करने के आते हैं, तो उसका पासवर्ड ऐसा सेट कर दो कि बार बार पासवर्ड डालने में ना तुम सोचो यार छोड़ ना, कौन ही खोले। और ऑल्सो कहने का मतलब ये कि स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इज बैड, एंड एटॉमिक हैबिट्स जिसने नहीं पढ़ी है तो प्लीज कृपया करके जाके पढ़ो। होप कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं आपको कहीं ना कहीं समझा पाया हूँ, और अगर समझा पाया हूँ तो प्लीज कृपया लाइक छोड़ दे, ये हमारी यंग क्रे लाइफ गैंग के लिए। ओए होए गुड बॉय, ये है आजकल के अल्फा जनरेशन जो साथ में अपने डॉग्स घुमाते हैं अपने से बड़े साइज के। मीनवाइल सोसाइटी के लोग यहाँ पर आपस में लड़ते रहते हैं, कुत्ते ने काट लिया अब हमारे बच्चे को। तो अपनी बुआ की शादी पे तो नाचा नहीं था। हमारे यहाँ इतने नीचे से अब फ्लाइटें जाने लग गई है ना, आप समझ लो अगर आप ईस्ट की तरफ से आ रहे हो IGI, तो आपको हमारी सोसाइटी भी दिखेगी। 2-3 सब्सक्राइबर्स लोगों ने तो मेरे को लिटरली फोटो खींच के मेरी सोसाइटी की भेजी है इंस्टाग्राम पे, यापी की है ना। अभी ना मेरे को सबसे बड़ा डर पता किस बात का है, कोई टाइम बाद हमारी जो सोसाइटी है ना रेड जोन में ना आ जाए 20 किलोमीटर रेडियस के अंदर, मतलब मैं यहाँ पर ड्रोन भी नहीं उड़ा पाऊंगा। और अभी मैंने FPV की भी प्रैक्टिस करनी है। उससे मुझे याद आया रोहन के अभी क्या हाल होंगे, रोहन को ऐसा करना चाहिए था, जो करा वो वहाँ तक तो ठीक, लेकिन अब जो कर रहा वो बहुत ही गलत है। पर उसने ऐसा क्यों किया? नोटी हो रहा के ऋषि उधर मत जा, वापस आ, घर में वैसे भी बिगड़ेल औलादे हैं, तुझे बिगड़ना नहीं है इसकी तरह। ऋषि बाहर आ, आजा बाहर आ, गलत संगति में नहीं जाने का। हैं? ये कौन सा सरप्राइज है? ऋषि से हेलो, तू रास्ता भूल गई क्या? अरे घर पे जाना था तुझे, ससुराल पे, यहाँ कैसे आ गई? ये यहाँ रहेगी? कुछ फोन करना होता है कि हम आ रहे हैं, भरत मिलाप करने वाले हैं। एंड इट्स निधि गुड टू से दैट वी वर नॉट मिसिंग यू, वी वर नॉट मिसिंग यू एट ऑल, वी वर नॉट मिसिंग यू, यू मिस्ड अ लॉट ऑफ थिंग। गोवा तो वो तो है ही। भाग गया भाग गया भाग गया भाग गया भाग गया भाग गया। रोहन से नहीं मिलना है, दारू गुटखा धूम्रपान सब सीख गया है करना।
धूम्रपान शीघ्र पता नहीं क्या क्या सीख रहा है यही सब क्या बोला कॉलेज में यही उसका ये कॉलेज में आजकल वो दारू गुटखा लड़की चार बोतल वोडका सब कर रहा है। हाँ अरे तेरे से किसने बोला बोलने के लिए बे मतलब घर में है घर में क्या अपने रूम में मत बात कर उससे बिगड़ गया है यही होता है जब आप अडॉप्ट करते हो सड़क किनारे से कचरे से निकाल के उसको बड़ा करते हो पैसा लगाते हो और उसके बाद वो ऐसी हरकतें करता है क्या बोले जा रहे हैं सब मुझे समझ नहीं आ रहा है तुझे समझ में आएगा भी नहीं क्योंकि यू मिस एवरीथिंग यू ये हमारी वीडियोस भी देख रही है ना तूने हमारी वीडियोस देखना बंद कर दिया शादी हो गई तो मैं फ्री हो गई इस घर से बताइए 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 भगवान हाँ टॉपिक से ना भटके रोहन पे कॉन्सेंट्रेट करें मैं बताता हूँ दारू गुटखा सिगरेट और अब लड़की बाजी ये आखिरी ईयर आखिरी सेमेस्टर में ये सब कर रहा है भैया अब ये ज्यादा हो रहा है परेशान मम्मी ये सब ना भैया की सारी हरकतें हैं।